आज हम जा रहे हैं जोगिनी फॉल। सो जोगिनी फॉल के लिए आपको या तो ऑटो लेना पड़ेगा, बिकॉज ट्रैक तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन वो वशिष्ठ टेम्पल तक आपको छोड़ सकते हैं। वशिष्ठ टेम्पल से आपको काफ़ी आगे जाना है जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होती है। तो मैं अभी उसी रास्ते में हूँ। सी ये रास्ता है जो यहाँ पे पहले बर्फ़ पड़ी थी 2 दिन पहले, वो पूरा पिघल के पूरा पानी बन गया है। और यहाँ पे ना झरने की बहुत ही अच्छी सी साउंड आ रही है। तो ये आई गेस ये थोड़ा यहाँ पे ब्रेक। सो अदिति को बाय बोलने के बाद में हम एक ऑटो से पूछते हैं। ऑटो वाले भैया ने बोला कि बहुत पैसे लेंगे, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा वॉक करते आगे जाके हमें शेयरिंग वाला मिल जाएगा, जो कि हमें नहीं मिला। बट रास्ते में हमें एक भैया मिल गए जो हरियाणा से थे, और वो उनका होटल वशिष्ठ के अंदर है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको मंदिर तक छोड़ दूंगा और आप वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह पी लेना। तो मैंने भैया से रिक्वेस्ट किया कि भैया मुझे नहीं चाहिए, मैंने जस्ट अभी अभी कुछ खाया है। भैया ने बोले कि नहीं पी लो पी लो। तो मैंने कॉफ़ी पिया और वो घर की कॉफ़ी थी यार। और फिर भैया के साथ में एक और भैया थे जो मैनेजिंग जो होटल मैनेजिंग का काम करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो 3 दिन पहले ट्रैक पे गए थे और बहुत ही ज़्यादा स्नो है, दैट मीन्स पूरा का पूरा ट्रैक स्नो का है। आई वॉज हैप्पी बिकॉज मैंने एक पहले स्नो ट्रैक किया था और वो मेरा आधा रह गया था बिकॉज ऑफ माई स्टूपिड माइंड। इसने गिव अप कर दिया था, लेकिन इस बार मुझे बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना था, चाहे कुछ भी हो जाए। यार इन जंगलों में आने के बाद में एकदम वाइल्ड वाली फीलिंग आती है कि हाँ आप एक जंगल में आ गए हो, आपको कुछ भी मिल सकता है। और हमें ये डोगो भाई साहब मिले, हमने इनसे पूछा कि तुम चलोगे, तो बोला कि नहीं हम नहीं चलेंगे। तो फिर हम चल दिए अकेले, क्या करते ठीक है। तो फिर उसके बाद में हमें कुछ छोटे बच्चे मिले रास्ते में, हमने उनसे रास्ता पूछा कि कौन सा रास्ता जाएगा। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि दीदी आप गलत रास्ते से आ गए। तो वो हमारे साथ में आए और सही रास्ते में हमें हाथ पकड़ कर हमें सही रास्ते में छोड़ा। तो इट वॉज अमेजिंग। रास्ते में हमें काफ़ी लोग मिले, काफ़ी लोगों से हमने पूछा, और एक हमें भैया मिले, जो भैया इन द सेंस कि एक छोटू मिला जो 11वीं क्लास में था, जो फेल हो चुका था। बाद में उसने अपनी स्टोरी बताई थी, शॉर्टकट भी उसी ने हमें बताया था। तो हमारा ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट बस ऑलमोस्ट आने वाला है, इसके बाद में हमें केवल ऊपर जाना है। आई विल गिव यू वन एडवाइस, वेन एवर यू डू द स्नो ट्रैक राइट, सो आप ना ये साइड वाले रास्ते से जाए जहाँ पे कम स्नो हो, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो हो, जो पिघली ना हो, जो वाइट हो। ये है जो मेल्टेड स्नो है, ये एकदम स्टोन जैसी होती है। यहाँ पे आप फिसल जाओगे, आपको गियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इस ट्रैक में मैंने गियर्स बिल्कुल भी यूज नहीं करे, आई थॉट की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि 2-3 दिन पहले स्नो पड़ा था, दैट मीन्स काफ़ी स्नो मेल्ट ऑलरेडी हो चुका है, वो पानी बन चुका है, पूरा का पूरा जो कीचड़ होता है ना वैसा बन चुका है। तो ये मत सोचना कि मेरे नए जूते हैं खराब हो जाएंगे, नहीं बेटा, जूते जाए भाड़ में, सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। अच्छा हमको सिखा रहा है। अगर आप यहाँ से गिरोगे ना, आपका एक हाथ एक पाव पता नहीं क्या क्या टूटेगा, क्या क्या नहीं टूटेगा। ये हमें बिल्कुल सीधी चढ़ाई करना है, तो दैट मीन्स अगर आप फिसल भी जाओगे ना, तो सीधा नीचे मिलोगे, ऊपर नहीं जा पाओगे। तो रास्ते में हमें एक ग्रुप मिला 8 लोगों का, 8 या 7 लोग थे, वो सारे के सारे स्टूडेंट थे, वो भी वो केरला थे, वो मेरे आगे आ गए थे। तो फिर साथ में हम लोगों ने ट्रैक किया था, और जो भाई साहब हमारे साथ में आ रहे थे, अजगर भाई साहब जो हमारे हॉस्टल के साइड वाले रूम में रहते थे, उन्होंने बोला कि जोगिनी फॉल करेंगे, बोला कि 7:30 बजे स्टार्ट करूँगा मैं। 10 बजे तक बंदा उठा नहीं है बेड से। मैं तो निकल गई, बिकॉज यार मुझे जाना है, बिकॉज मेरी बस है 5 बजे, मैं निकल गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और रास्ते में यार काफी लोगों से रास्ता पूछते हुए, और रास्ते में एक डोगी और एक ब्रूनो और उसका पार्टनर छोटू मिल गया, और उन्होंने हमें रास्ता गाइड किया और काफी लाइक शॉर्टकट बताए। लेकिन हाँ, शॉर्टकट आप कभी भी ट्राई मत करना, बिकॉज सीधा स्ट्रेट चढ़ाई है, आप बहुत जल्दी थक जाओगे, चांसेस है कि आप ट्रैक ना करो और आप गिव अप कर दो। मैंने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया रास्ते में कि प्लीज़ गिव अप मत करना। मैंने अजगर भाई साहब को भी मोटिवेट किया था, प्लीज़ गिव अप मत करना, क्योंकि उसने आधे रास्ते में ही गिव अप कर दिया। तो रास्ते में मुझे एक और अपने हॉस्टल के एक और मिले थे, पीटर, एक्चुअली उनका नाम पीटर नहीं था, आई गॉट कन्फ्यूज, उनका नाम उमार था। तो सबके साथ में हमने ट्रैक पूरा किया, और लास्ट में ट्रैक करने का एक ही रीजन था, लास्ट टाइम जो मैंने गिव अप किया था, मुझे इस पर गिव अप नहीं करना था, मुझे खुद को ये प्रूव करना था कि हाँ तू ट्रैक कर सकती है।
जो लास्ट टाइम जो हमारे मैनेजर भैया अमन भैया ने मुझे बोला था कि तुझसे नहीं हो पाएगा ट्रैक, बस वो मेरे दिल के अंदर इतना चुभ गई ना बात कि अब मैं गिव अप नहीं करूंगी। पिछली बार जो हो गया सो हो गया, अब नहीं होगा। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और हमारे पीछे ये जो वाटरफॉल है यही है जोगिनी वाटरफॉल। एंड द बेस्ट पार्ट इसका ये है कि वो जो अंदर वाला जो पार्ट है थोड़ा केव जैसा दिखता है, तो वहाँ से आप जब स्नोफॉल ये मतलब सॉरी ये वाटरफॉल जब देखते हो तब हाय 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 इतना इतना मस्त लगता है यार। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। लेकिन वाटरफॉल तक गुफा में पहुंचने के लिए आपको बहुत पत्थरों से लड़ झगड़ कर ऊपर चढ़ना पड़ेगा और आप चांसेस है कि आप यहाँ पे फिसल जाओ और सीधा वो जो आइस है उसके अंदर जाके मिल जाओगे आप। बहुत ही मजेदार गेम है यार। आई होप जोगिनी अगर आप तो प्लीज गिव अप मत करना। आई नो आपको बहुत सारे रीजन मिल जाएंगे गिव अप करने के, प्लीज डोंट गिव अप। आई एम प्राउड ऑन माई सेल्फ कि हाँ मैंने किया। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स मीट ऑन द अदर एडवेंचर।